सो हेलो गाइस, हम लोग निकल चुके हैं अगासी बुद्ध केव की तरफ। कराड़ से करीब 7-8 किलोमीटर की ये जर्नी हमारी थी और मेरे साथ है पीछे रोहित और सिद्धार्थ। देखते हैं, आगे बढ़ते हैं और आपके सामने ये इधर ये पूरी पहाड़ियाँ, यहाँ हमें चढ़ाई करनी है। और अभी दोपहर के करीब 1:30 बज रहे हैं, करीब 1-2 घंटे का हमें यहाँ पर वक्त लगेगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्या कैसे कैसे चीजें चलती हैं। मजा आ रहा है ना? गाइस, हम लोग के साथ बहुत गलत हो गया और हम लोग करीब गाइस एकदम दिमाग खराब हो गया। गाइस उस बुद्धि वाले गाइस वहां मिल गए थे और हमें गलत भटका दिया गाइस। और करीब 4-5 किलोमीटर हम लोग आगे आ गए हैं। ये पहाड़ देख रहे हैं आप लोग, हमें जाना इधर था और रास्ता करीब 4 किलोमीटर आगे था, बट कुछ कौन थे बुद्धि वाले थे, कुछ बुद्धि वाले थे गाइस, भटका दिया हमें। कोई थे यहाँ पे अपनी गाड़ियाँ पार्क करने की थोड़ी बहुत जगह है, थोड़ी क्या बहुत सारी जगह है, जहाँ कुछ फैमिलीज भी आती हैं। जगह आपको नहीं मिलेगा। और ये हमारे सिद्धार्थ सर ट्राइपॉड संभाले हुए। अरे रोहित रसिया सर, वहाँ पे क्या कर रहे हैं आप? इनका प्लान था कि अपनी स्कूटी को ये ऊपर पहाड़ पे चढ़ा देंगे, हेलीकॉप्टर समझ लिए थे, लेकिन वही है कि आदमी अपने लिमिट में रहे तो अच्छी बात है। तो अगासी गुफा की तरफ हमारा ये यहाँ से जर्नी स्टार्ट होती है। सीढ़ियाँ कुछ है, पत्थर की सीढ़ियाँ। आप आगे बढ़ेंगे और ये पूरा पहाड़ देखते हैं क्या होता है आगे, कंटिन्यू करते हैं। ये लगातार सीढ़ियाँ पूरी तरीके से मैनेज्ड है, कोई दिक्कत की बात नहीं है कि यहाँ पे कोई चढ़ नहीं पाएगा। जैसे घर की सीढ़ियाँ वैसे यहाँ की सीढ़ियाँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पीछे लुक देख रहे हो आप? अरे मेरा नहीं, पीछे माउंटेन का लुक देख रहे हो? क्या सुकून है यहाँ पे, जबरदस्त। बस सीढ़ी चढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। संडे एंजॉय कर रहे हैं हम लोग साथ ही साथ। और यहाँ ये लोग, ये देखिए, ये अपनी बाइसेप्स को फ्लेक्स कर रहे हैं। इनका एक हाथ टूटा हुआ है, फिर भी नहीं यार बाइसेप्स मान नहीं रहे हैं, बाइसेप्स है ही नहीं कह रहे फ्लेक्स। ये हमारे सिली सिट सर है ना, प्रयास में लगे हैं बनाने के। बहुत अच्छी फोटोग्राफ्स क्लिक कर रहे हैं। आप देख सकते हो पहाड़ियाँ कितनी खूबसूरत लग रही हैं और बहुत गहरी पहाड़ियाँ लग रही हैं दूर से। और अभी तो आगे हम लोग को जाना है, चढ़ना है इसके आगे बहुत दूर तक। अभी हमें वहां तक जाना है, वहां तक, यहां तक। गाइस इतना तेजी से भाग भाग के ना आओ, है ना? मुझे क्या पता था? अरे ना गए हार्ट में आ जाएगा, मुझे क्या पता था? अरे भाई, अरे भाई साहब, बहुत हालत खराब है भाई। देखो ऊपर से वहां नीचे मैंने डिप्स मार दिया मजे मजे में आके। वो देखो गाइस दिख रहा है क्या उधर, है ना? ये कुछ चल रहा है, देख रहे गाइस। लेकिन भाई साहब, है ना, जो सुकून है ना, जबरदस्त सुकून है यहाँ पे इन पहाड़ियों में। देखिए पहाड़ियाँ काफी सूख गई हैं, बारिश नहीं हो रहा है। अभी बारिश में पूरी पहाड़ियाँ ग्रीन थी। ये वो कौन सा लड़का है? चलो उधर दिखाओ, कैमरामैन उधर दिखाओ। वो कौन सा लड़का है? कहाँ जा रहे हो? ओए ए, ए, लड़के ए, लड़के कहाँ जा रहे हो? कहाँ भाग रहे हो? पकड़ा के पता नहीं क्या खोज रहा है लड़का, समझ में नहीं आ रहा मुझे। क्यों भाई जा, क्यों बटलर नहीं बा? हम गोरखपुर संत कबीर नगर के हो ही।
कि धूल फाकती जिंदगी से बहुत बेहतर जगह आपके सामने है, है ना। फेफड़े फाड़ रहे शहर के लोग शायद ही इतने फ्रेश एयर में सांस लेते होंगे। दोस्तों, इतना ऊपर आने के बाद हमें समझ में आया कि क्यों जो ओयो कंपनी है वो इतना डेवलप कर रही है। उसने यहाँ पर भी अपना रजिस्ट्रेशन करा रखा है। यहाँ जितने भी आप गुफाएं देख रहे हैं, ये गुफाएं पूरी तरीके से ओयो रजिस्टर्ड हैं। देखते हैं हम लोग को यहाँ पे अलाउ किया जाता है कि नहीं किया जाता है, है ना। बहुत सही मार्केटिंग चल रही है। और ये जो तुम्हारे यहाँ आता है, हम यूपी वीपी में जाते हैं ना कुश्ती लड़ने के लिए जाते थे। अरे वाह, कुश्ती लड़ने जाते हैं यूपी में? गए थे हम पहले, जाते थे उधर के पहाड़ होते हैं तो वो ज़्यादा फिसलते जाता है। ये पहाड़ फिसलते नहीं, इसका खड़क है ज्वालामुखी खड़क है, पूरा ज्वालामुखी खड़क है। इस पर तुम ब्रेकर भी लगाओगे ना इतना सही निकले, ट्रैक्टर ब्रेकर। मतलब इसका जो स्ट्रेंथ है इस पहाड़ का वो काफ़ी ज़्यादा है। और जो हमारे उत्तर प्रदेश में और उधर जो पहाड़ होते हैं वो मिट्टी के पहाड़ होते हैं। ये पूरा खड़क का पहाड़ है, पूरा पहाड़ खड़ा है, पत्थर का है पूरी तरीके से, अभी काले पत्थर का है, ज्वालामुखी वाले उस तरह का। सर, तेंदुए के बारे में क्या बता रहे थे आप? तेंदुआ यहाँ डेली आता है, अपना शिकार करता है, जो उसको मिलता है वो ले जाता है। उसके बाद से कुछ दिन जब तक उसका चलता है प्रोसेस, तब तक फिर आता है शिकार करने के लिए, पहाड़ों में घूमता रहता है। ये तुम्हारे बौद्ध खरीदने का भगवान बुद्ध, यानी कि यहाँ पर क्या भगवान बुद्ध के अनुयायी लोग रहते थे यहाँ पे। इसका जो सिंबल है ना, ये अशोक सम्राट के उस वक्त का, वो इधर है उस लेने की। जगह जगह जो गुफाएं हैं वो यहाँ पर अनुयायी अपने रहते थे। जब अशोक सम्राट ने वो बौद्ध धर्म स्वीकारा, अशोक सम्राट ने, पूरे जहाँ जहाँ पहाड़ी पे उनका सिंबल, जिधर जिधर उनके अनुयायी गए बुद्ध के, उधर उनका स्तूप होता है। क्योंकि अशोक सम्राट जो थे वो बहुत ही प्रतापी राजा थे, चारों तरफ उन्होंने राज किया, और उनके बौद्ध धर्म अपनाने की वजह से चारों तरफ जो बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग थे वो बहुत तेज़ी से प्रचार प्रसार फैला। वो एक बहुत बड़ा इवेंट था बौद्ध धर्म में, जहाँ पे चारों तरफ लोगों ने बौद्ध धर्म स्वीकार करना शुरू किया। और देखिए यहाँ पर अनुयायी आकर इस पहाड़ों पे भी रहते थे, और तमाम गुफाएं यहाँ पर बना रखा है इन लोगों ने। कितना सही प्लानिंग रहा होगा आप गेस करिए, कि पानी पीने के लिए पहाड़ों में, चूंकि पानी पहाड़ों पे रुकता नहीं है तो पानी के लिए यहाँ पे 4-5 फीट का एक गड्ढा बना दिया गया, चूंकि अब ये यूज नहीं होता है। तो आप देखोगे उसमें मछलियां भी आ गई हैं, इतना ऊपर पहाड़ों की मछलियां कैसे आई भगवान जाने। और अशोक सम्राट का जो चिन्ह है देखिए यहाँ पर चक्र बना हुआ है, और ये अशोक सम्राट का चिन्ह आप इससे भली बात परिचित होंगे। ये स्तूप है, देखिए बौद्ध धर्म का ये स्तूप हर जगह देखने को मिलता है, कितना पुराना होगा। ये स्तूप है, और देखिए पानी पूरी तरीके से यहाँ पे रिसा हुआ है। ये देखिए सर, ये देख रहे, इस पूरे इधर से इधर आता, ये पूरा इधर आता, इधर से मतलब ये पूरा इस तरीके से घूमा है, घूम के फिर वापस उधर, फिर वापस उधर गया। यानी कि ये पूरा पहाड़ एक ओम का आकार बनाता है। सर का मानना है, सर सेंट्रल गवर्नमेंट से यहाँ पर जो है ASI ने इनको यहाँ रखा हुआ है, है ना। और इनका मानना है कि ये पूरा पहाड़ एक ओम का आकार बनाता है, सिर्फ ये जो छोटा सा पहाड़ है ये पूरी तरीके से जो दिखाई दे रहा है, सिर्फ इतने की बात कर रहे हैं। अब बरसात के टाइम में ये पूरी तरीके से ये झरना जो है बहता रहता है, ग्रीन रहता है पूरी तरीके से। फिर हम लोग बरसात में भी विजिट करेंगे। बहुत शांति है, बहुत। अगर आप यहाँ पर बैठ जाओ, मतलब मैं बता नहीं सकता कैसे मेरी आवाज़ गूंज रही है यहाँ पे, बहुत शांति है। मन आपका कितना भी अशांत हो, बस एक बार आप यहाँ चले आओ,
सच बता रहा हूँ, ऐसी शांति आपको कहीं नहीं मिलेगी, कहीं नहीं। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आजकल हम लोग के अंदर बहुत ज़्यादा लालच भरा हुआ है ना। हम लोग ये सोचते हैं कि यार बड़े से बड़ा घर हो, ऐसा हो वैसा हो। देखिए, ऐसी दुर्गम पहाड़ी के बीच में बौद्ध के जो अनुयायी थे, है ना, वो लोग देखिए किस तरह के कमरों में रहा करते थे, और वो इसमें बहुत खुश थे। ये छोटे छोटे से कमरे जिसमें पत्थर के ये बिस्तर लगाए हुए हैं, इसमें वो लोग रहा करते थे। और यहाँ पे ऐसे बहुत सारे कमरे हैं, ये उनका विश्राम स्थल हुआ करता था, जहाँ पर ये भी विश्राम करना चाहते हैं। और गाइस, ये वीडियो, ये बात आपको बता के वीडियो दिखा के पैसे कमा के ये बंगला बनाना चाहते हैं, ये व्यक्ति बंगला बनाना चाहते। तो यार यहीं पर है यार, जबरदस्त जरा सा पैर फिसला और आप नीचे खाई में, जबरदस्त एडवेंचर का मजा लेते हुए। चढ़ाई कर रहे हैं क्या? अंदर ये गुफा नंबर 25 है जहाँ लिखा हुआ है। और कहाँ से ये पानी आ रहा है, कहाँ जा रहा है, कुछ पता नहीं है इसका। पानी कितना साफ है, आप देख सकते हो कितना साफ पानी है, बिल्कुल साफ पानी है। और इसमें मछलियाँ भी हैं, है ना। और देखिए यहाँ पर आपको क्या ग्रीनरी है, है ना। और यहाँ मंदिर भी है, आप देख सकते हो बनाया गया है। पानी आ रहा है, रिस रिस के पानी टपक भी रहा है, जबरदस्त। और यहाँ पर ये दो वनमानुष आप देखिए, वनमानुष देखिए, यहाँ पे दो वनमानुष। बहुत महान नॉलेज यहाँ पर ये दोनों लोग आपस में शेयर कर रहे हैं। काफ़ी ऑलरेडी बोला जा चुका है कि आप लोग यहाँ पर फिजिक्स और बायोलॉजी की बातें नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पर भी कुछ कंसेप्ट ये लोग लगा रहे हैं। खैर, लगा तो मैं भी रहा हूँ, बट ठीक है, कोई बात नहीं। प्रोजेक्टाइल लगा देंगे क्या यहाँ पे? तो दोस्तों, आज के ज़माने का ब्लॉगर आपके सामने, एक नया काम हम लोगों ने शुरू किया है। और जंगलों में अभी पहली बार हम लोग आए हैं। देखिए रोजी रोटी कहाँ तक आगे बढ़ती है। बहुत थकान हो गई, बहुत भूख लग गई, बहुत प्यास लग गई है।